Hi guys, welcome to your English Priya. Children, today I am going to teach you lesson number 4 and the name of the lesson is Avani and the Pea Plant. Avani and the Pea Plant. Okay, now first of all Avani. Avani is the name of the girl. Now what is pea plant? Pea means what children? What is pea? I think you all must be knowing what is pea, huh? Pea means mutter, okay, you know? Okay, now before going to the lesson, we'll do some warm-up exercise. Arrange these pictures in the correct order. Can you see what is happening? Can you see this picture? See children, just now our rainy season has gone. है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही रेनी सीजन गया था तो हमने बहुत सारे प्लांट्स प्लांटिंग की थी, इसी प्लांट्स ग्रो किया था, राइट है ना। तो मैनी ऑफ यू मस्ट हैव प्लांटेड, आप लोग बहुत से लोगों ने ट्री प्लांट किया होगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं। सबसे पहले क्या ये प्लांट ऐसे हो जाता है क्या? नो, उससे पहले हमें क्या होता है, सीड ग्रो करना पड़ता है। दिस इज सीड यानी कि जैम, है ना, नंबर वन। फिर उसके बाद नंबर, दिस इज नंबर टू, इट हैज़ ग्रोन लिटिल बिगर, है ना। सबसे पहले सॉइल में हमें सीड ग्रो करना पड़ता है। नंबर टू, इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, मट्टी में से थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड यू कैन यू सी दिस चिल्ड्रेन, दीज आर द रूट्स। ये क्या है? रूट्स, ओके। नाउ दिस इज नंबर थ्री, इट हैज़ ग्रोन लिटिल मोर बिगर, वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ है, है ना। इट इज़ नाउ नंबर फोर, इट हैज़ ग्रोन मोर बिगर, अब तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। ओके, नाउ चिल्ड्रेन, दिस इज कॉल्ड क्राउन। ये क्या है? क्राउन, जहाँ से थोड़े थोड़े लीव्स निकल रहे हैं, है ना। कोई भी प्लांट में लीव्स होते हैं ना। ओके, सो दिस इज क्राउन, क्राउन में जहाँ से लीव्स निकल रहा है। नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम अ प्लांट। देखो ये सीड क्या बन गया? प्लांट्स। क्या हम जब कोई भी सीड प्लांटिंग करते हैं तो क्या एकदम से ग्रो होता है? नहीं, आफ्टर सम डेज, एज द डेज पास, जब धीरे धीरे दिन निकलता है, 15 दिन, 20 दिन, महीने निकल जाता है, मंथ आफ्टर अ मंथ इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। ओके, नाउ कम टू द लेसन। ओके, बिफोर कमिंग टू द लेसन, दिस इज अ स्मॉल लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द गर्ल इज अवनी। अवनी के हाथ में क्या है? बाउल। वॉट शी इज हैविंग? बाउल। और बाउल में क्या है? पीस। ओके, नाउ चिल्ड्रेन, एज यू आर एट होम, डू यू हेल्प योर मदर? आप अपनी मम्मा को, पेरेंट्स को हेल्प करते हो क्या घर पे? कुछ वर्क करने में, काम करने में, हाउस होल्ड कोर्स करने में? कम ऑन, हाउ मैनी ऑफ यू हेल्प योर मदर? मम्मा की, कोई कोई बच्चे किचन में हेल्प कर रहे हैं क्या मम्मा की? ओके, आई आस्क योर मदर देन। ओके, कम टू द लेसन, आई रीड लेसन फॉर यू। इट वॉज संडे मॉर्निंग, अवनी सेट एट द किचन टेबल। अवनी सेट एट द किचन टेबल, अवनी कहाँ बैठ गई थी? किचन के टेबल पे। शी वॉज वॉचिंग हर मदर कुक। क्या आप अपनी मम्मा को देखते हो, कैसे मम्मा खाना बनाती है, मम्मा क्या क्या करती है? अमा गॉट द कुकर रेडी। नाउ व्हाट इज अमा? चिल्ड्रेन, अमा मीन्स मदर। अमा मीन्स मदर। इन साउथ इंडिया मदर इज बीइंग कॉल्ड बाय द नेम अमा। साउथ इंडिया में मदर को क्या बोलते हैं? अमा। गॉट द कुकर रेडी, व्हाट इज कुकर? यू नो कुकर, वेसल जिसमें से सीटी बजती है, खाना बनता है, कुक इज प्रिपेयर्ड। यस, अम्मा गॉट द कुकर रेडी। अवनी, प्लीज गिव मी द पीस, अम्मा सेड। अम्मा ने क्या बोला अवनी को? अवनी प्लीज गिव मी द पीस, अवनी प्लीज हेल्प करोगे मेरी, मुझे पीस दे दो। अवनी टुक अ बाउल ऑफ ड्राइड पीस फ्रॉम द किचन टेबल एंड गेव इट टू अम्मा। ड्राइड मतलब सूखा हुआ मटर का दाना था, वो फ्रेश नहीं था, ड्राइड, है ना। बहुत बार हम सीजन नहीं रहता है तब बनाते हैं तो वो ड्राई होता है ना। हाँ, ओके, किचन टेबल एंड गिव इट टू अम्मा। वन पी फेल आउट ऑफ द बाउल, है ना, एक जो पी दाना था, एक जो पी का दाना था, फेल आउट फ्रॉम द बाउल। जब अवनी ने वो लिया तो वो एक पी गिर गया। अवनी एंड अम्मा डिड नॉट सी इट, अवनी और अम्मा को वो दाना, एक दाना दिखा नहीं, है ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
Yes. The pea bounced on the table onto the floor and rolled under the table. The pea bounced मतलब उछलना है ना, वो क्योंकि पी तो गोल गोल होता है, तो वो गोल गोल होता है तो का उछलता है बॉल की तरह है ना, बाउंस मतलब उछलना. ऑन द टेबल द पी बाउंस्ड ऑन द टेबल ऑन टू द फ्लोर है ना, टेबल पे से कहाँ आ गया, फ्लोर पे. और रोल यानी गोल गोल घूम के अंडर द टेबल, टेबल के नीचे आ गया. चिकी द किटन, चिकी कौन थी, स्मॉल कैट की बेबी, बेबी ऑफ अ कैट. चिकी द किटन फाउंड इट, चिकी को वो दिख गया. शी पुश्ड इट है ना, पुश कैसे करेंगे, कैट का आपने देखा है वो पंजा आगे का हाथ है ना, तो वो हमेशा अपने पैर से उठाते हैं ना वो लोग एनिमल्स, तो उसने अपने पैर के पंजे से उसको उठाने की कोशिश करी तो वो पुश हो गया, पुश मतलब आगे सरक गया. शी ट्राई टू लिक इट, लिक मतलब जीभ से उठाने की भी कोशिश करी है ना उसने. द पी रोल्ड आउट अंडर द टेबल, फिर वो ची पी क्या हुआ, टेबल के नीचे से भी रोल हो गया. फिर अगेन चिकी उसके पास गई, चिकी पुश्ड इट अगेन. नाउ इट रोल्ड इनटू द गार्डन, अब वो क्या हुआ, किचन में से कहाँ, किचन की टेबल के से कहाँ आ गया वो, गार्डन में रोल होते होते है ना, क्योंकि वो चिकी उसको उठाने की लीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे नहीं हुआ तो वो रोल होके कहाँ आ गया, गार्डन में. ओके नाउ लेट्स सी हु इज़ इन द गार्डन, देखते हैं गार्डन में कौन है. In the garden, a manna saw the pea. Manna, children, I have underlined this. Manna is the name of the bird. Can you see this bird? है ना, ये bird दिख रही है ना आपको? This is manna. है ना? और see the pea. Manna को वो pea दिख गया. She pecked at it with her beak. She pecked at it. Pecked मतलब चोंच से उठाने की कोशिश करना. Try to pick up with the beak. Beak मतलब चोंच. ये देखो. है ना, ये मैना आप चोंच से ये पी का दाना उठा रही है ना. हाँ, बट इट वॉज टू हार्ड, इट वॉज टू हार्ड, वो थोड़ा सा हार्ड था है ना, इट वॉज टू हार्ड. शी पैक्ड एट इट अगेन, वो अगेन उसको ट्राई करने लगी अपनी बीक से उठाने के लिए, टू पिकअप विद द बीक. द पी जंप्ड है ना, जब वो चोंच से ऐसे करके उठाने लगी तो वो क्या हो गया, उठा नहीं उससे, वो जंप हो गया. एंड लैंडेड नियर अ टमेटो प्लांट, लैंडेड मतलब जाके कहाँ रुका वो, लैंडेड मतलब जाके ठहर जाना, कहाँ रुका, टमेटो प्लांट के पास. कैन यू सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रेन, दिस इज टमेटो प्लांट. और ये पी कहाँ आ गया, टमेटो प्लांट के पास में. नियर द प्लांट एन अर्थवर्म वॉज स्लीपिंग इन अ होल है ना, प्लांट के पास क्या था, एक अर्थवॉर्म है ना, होल में सो रहा था. When the pea landed with plop, जब पी एकदम से उछल कर, plop means उछल के गिर जाना है ना, पी जब वहाँ से उछल के गिर गया, the earthworm woke up, वो जो earthworm, see this is called earthworm, this is animal which comes out in rainy season, ये rainy season में आता है ना, और ये soil के अंदर रहता है, वो जग गया. It came out of its hole and looked at the पी, वो अर्थवॉर्म अपने होल में से बाहर आया और उसने पी को देखा. देन इट क्रॉल्ड अवे, फिर वो धीरे 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 चल के पी के पास गया. द पी रोल्ड एंड स्लिप्ड इनटू द होल, फिर वो जब है ना उसके पास गया तो क्या हुआ कि वो जो पी था है ना रोल यानी कि घूम के कहाँ चला गया, एक होल में चला गया है ना, सॉइल में मतलब मट्टी, सॉइल मतलब मट्टी, मट्टी में एक होल था ना, वहाँ वो पी का दाना चला गया. एंड गॉट कवर्ड बाय द लूज सॉइल, और मट्टी ढीली हो रही थी क्योंकि बारिश रेनी सीजन था ना, तो वो उसमें से ढक गया, मट्टी से वो कवर हो गया, ढक गया. ओके नाउ चिल्ड्रेन कंप्लीट दिस सेंटेंस. व्हेन द बर्ड पैक्ड एट द पी, जब बर्ड ने पी को पैक किया था तो इट लैंडेड नियर अ, वो कहाँ जाके रुका था, नियर अ टमेटो प्लांट. ओके देन इट रेस्टेड इन द कूल डार्क सॉइल, कूल डार्क सॉइल का मतलब है जब है ना पी उसमें से उछल के जब चला गया, जमीन के सॉइल के अंदर चला गया था ना अर्थवॉर्म जब क्रॉल हुआ, तो फिर वो वहाँ पे मट्टी से कवर हो गया था, तो मट्टी से जब ढक दोगे तो अंधेरा हो जाएगा ना, डार्क सॉइल. द डे इज पास, धीरे धीरे दिन बीतने लगे.
सून द रेन केम, और बारिश आ गई है। हमने देखा है ना, जब बारिश आती है तो प्लांट्स कितने ग्रीन हो जाते हैं, कितने सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। द पी गॉट वेट, वो जो पी का दाना था वो भी गीला हो गया। इट ग्रो एंड इट ग्रो अ लिटिल मोर, वो थोड़ा 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 बढ़ने लगा। इट गॉट अ टेल, मतलब थोड़ा सा उसका जो पी था उसका पूंछ आ गई बाहर। एंड अ क्राउन, चिल्ड्रेन वंस अगेन टर्न द पेज, आई विल शो यू दिस, दिस इज कॉल्ड अ क्राउन, है ना। जब सीड हम डालते हैं सॉइल के अंदर तो उसका थोड़ा सा पूंछ टेल आ जाती है, और धीरे धीरे टेल आ गई, रूट्स आ गई, अब देखो उसका क्राउन, दिस इज कॉल्ड क्राउन, जहाँ पे थोड़ी सी लीव्स आ गई, दिस इज कॉल्ड क्राउन, है ना। ओके, द क्राउन शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ट्राई टू रीच फॉर द सन, और जब क्राउन आ गया तो वो सन की तरफ देखने लग गया और सन को छूने की कोशिश करने लग गया। इट ग्रो टॉलर टॉलर एंड टॉलर, वो और बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अवनी सॉ इट, अवनी ने एक दिन उसको देख लिया। व्हेन शी वाज प्लेइंग इन द गार्डन, अम्मा लुक हियर शी सेड, जब आप अचानक से कोई चीज़ देखते हो तो आप भी अपनी मम्मा को आवाज़ लगाते हो ना, वैसे ही अवनी ने आवाज़ लगाया, अम्मा लुक हियर, एकदम सरप्राइज हो के जब भी अचानक आप कोई चीज़ देखते हो तो कैसे अपनी मम्मा को भी बुला लेते हो। अ पी प्लांट सेड अम्मा, अम्मा ने देखते ही बोल दिया, अरे अ पी प्लांट। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द पी प्लांट, दे वर सरप्राइज, सरप्राइज यानी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने तो वो प्लांटिंग नहीं किया था ना, उन्होंने तो वो पी को सॉइल में नहीं किया था प्लांट, तो उनको तो पता ही नहीं था कि है ना वहाँ पे पी प्लांट आ जाएगा। डिड यू प्लांट इट अम्मा, आस्क्ड अवनी, अम्मा ने अवनी को पूछा, क्या तुमने उसको प्लांट किया था। नो अम्मा आई डिड नॉट, तो अवनी ने बोला, नहीं अम्मा मैंने नहीं किया। डिडंट यू प्लांट इट सेड अवनी, आस्क्ड अवनी, अवनी ने अपनी अम्मा को पूछा, क्या आपने भी नहीं किया। अम्मा शुक हर हेड, अम्मा उसे सेड नो। देन हू प्लांटेड इट दे वंडर्ड, वो सोचने लग गए, अरे फिर उसको किसने प्लांट किया। यू नो हू प्लांटेड इट डोंट यू, देखा कितने सरप्राइज हो गए अचानक, और कितने हैप्पी हो गए अम्मा और अवनी अचानक उन्होंने जब पी प्लांट देखा, क्योंकि अवनी और अम्मा ने तो उसको प्लांट ही नहीं किया था, वो तो अचानक से पी फेल डाउन हो गया था बाउल में से, फिर चिक्की ने उसको पुश किया, फिर पुश करके वो गार्डन में चला गया, गार्डन में से मैना ने उसको पैक किया था, फिर मैना ने पैक करने के बाद में वो उछल के कहाँ चला गया, टमाटो प्लांट के पास, फिर टमाटो प्लांट के पास अर्थवॉर्म जब क्रोल होके आया तो वो स्लिप हो गया, स्लिप होके वो सॉइल में चला गया और अचानक से वो ग्रो हो गया, है ना। सो अचानक से वो ग्रो हो गया। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अवनी।